गोंदिया जिले के नगर पालिका परिषद द्वारा मेरी माटी मेरा देश के तहत आयोजित कार्यक्रम में आए सभी लोगों ने अपने हाथों में मिट्टी ली और कार्यक्रम की खास बात यह रही कि नगर पालिका परिषद ने स्वागत कर कार्यक्रम की शुरुआत की। स्वतंत्रता सेनानियों ने परिवार इस कार्यक्रम के तहत गोंदिया जिले से 9 कलश मिट्टी दी। कलेक्टर ने कहा कि सभी ग्राम पंचायत नगर पालिका क्षेत्र से मिट्टी एकत्रित की जा रही है और जल्द ये कलश दिल्ली भेजे जाएंगे। मेरी माटी मेरा देश के तहत आज नगर परिषद में स्वतंत्रता सेनानी परिवार का स्वागत कर एक अनोखा कार्यक्रम मनाया गया। इसलिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार की पुरानी यादें ताजा हो गई है और उनके परिवार को गोंदिया जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पन्नालाल दुबे, बिहारी लाल दुबे द्वारा किए गए कार्यों और जेल में रहते हुए की गई गतिविधियों की याद आई। उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए नगर परिषद को शुभकामनाएं और धन्यवाद भी दिया है। और पहली बार ऐसा हुआ और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं इस परिवार से हूँ और हमारे परिवार की 2 पीढ़ी संग्राम सैनिक में भाग लिया और बहुत ही निष्ठावान और बहुत धन्यवाद देती हूँ उन लोग का जिनने स्वागत किया। हम आदरणीय बिहारी लाल जी दुबे जो पन्ना लाल दुबे के पिताजी थे वो भी संग्राम सैनिक में गए थे और आदरणीय पन्ना लाल जी दुबे वो भी संग्राम सैनिक में गए थे। उनके एक ही बेटा था पन्ना लाल जी दुबे, बिहारी लाल दुबे का एक ही बेटा, तो उनमें दोनों ने गए थे। उसके बाद उनको भी जेल हो गई, दोनों 2 पीढ़ी जेल गई हमारे परिवार से। और उनके जाने के बाद में बिहारी लाल दुबे जी को मतलब जैसे गए तो उनने पूरा बगीचा उखाड़ दिए वो जेल का, तो जेल का जैसे बगीचा उखाड़े तो उनको पैर में बेड़ी डाल दी गई। तो उनने बोले कि तुम अब बेड़ी आज डाल रहे हो, कल खोलने आओगे। तो जेलर साहब के लड़की की मृत्यु हो गई, तो वो दूसरे दिन आए और उनने उनके पैर पड़े और बेड़ी खोली और फिर उनको जेल से रिहा किया गया। बहुत महात्मा पुरुष थे बिहारी लाल जी दुबे। और पन्ना लाल जी दुबे तो 3 बार गए जेल और उनका तो पूरा जीवन संग्राम सैनिक में ही बीता। आखिरी समय तक वो अपना जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित करते थे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जींच्या संकल्पनेतून देशातील सर्व नागरिकांमध्ये मातृभूमीबद्दल एक प्रेम आणि आदर जागृत व्हावा व तो निरंतर राहावा यासाठी हा जो मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित केला आहे, त्या अंतर्गत आपण जिल्ह्याच्या सर्व भागांमधून, सर्व गावांमधून आणि तसंच नगर परिषद ज्या आहेत, नगरपालिका ज्या आहेत, त्यांच्या पण विविध भागांमधून माती एकत्रित करून त्याचे कलश एकंदरीत गोंदिया जिल्ह्यातून 9 कलश दिल्लीला जाणार आहेत व ह्या कलशांमधून गोंदियाच्या विविध भागातील माती ह्याचं पूजन, ह्याचा सन्मान कर्तव्यपथावर केला जाणार आहे व त्यातून पुढे जी संकल्पना आहे केंद्र शासनाची प्रधानमंत्रीजींची त्यानुसार पुढील कार्यक्रम करण्यात येणार आहे। हा सर्वांसाठी एक अहोभाग्याचा विषय आहे की आपण सर्व या मातीप्रती, या देशाप्रती आपल्या ज्या कर्तव्य भावना आहेत त्याबद्दल जागरूक होणार आहोत या कार्यक्रमातून व पंचप्रण शपथीच्या माध्यमातून देशाप्रती आपली काय कर्तव्य आहे याचं सर्व नागरिकांना जाण होईल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो व सर्वांना देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो। आज स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवाच्या समारोपीय कार्यक्रमामध्ये नगर परिषद गोंदियाच्या वतीने मेरी माती मेरा देश म्हणजेच माझी माती माझा देश हा कार्यक्रम आम्ही आयोजित केला। यामध्ये आम्ही शिलाफलकाचं अनावरण, पंचप्रण शपथ आणि त्यानंतर दुपारच्या नंतर आम्ही 75 देशी झाडं लावून अमृतवाटिका तयार करणार आहोत। आज या कार्यक्रमाला माननीय जिल्हाधिकारी महोदय, माननीय आमदार महोदय, विशेष म्हणजे जे शहीद परिवार आहे गोंदिया शहरातील, त्यांचे वयोवृद्ध म्हणजे 90 इयर्स प्लस परिवारातील सदस्य जे आहे ते इथे उपस्थित झाले, त्यांचा आम्ही नगर परिषदेच्या वतीने सत्कार केला आणि त्यांनी देशाप्रती जे बलिदान दिलेलं आहे त्याबद्दल नगर परिषदेच्या वतीने आम्ही ऋण मानले आणि कृतज्ञता व्यक्त केली। आज या कार्यक्रमामध्ये 6 स्वातंत्र्य सैनिकांचे परिवारजन उपस्थित होते। BCN न्यूज के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर।